गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 1, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति का भाग 2 है ये, यानी कि पार्ट 2 है। और इसमें आज हम जानेंगे भारत और पड़ोसी देश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत के बारे में। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 22 डिग्री जो है, यानी कि 22 डिग्री से ऊपर या 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा जो है, ये भारत के लगभग बीचों बीच जाता है। एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं है, पूरे बीचों बीच नहीं है, लेकिन लगभग बीचों बीच है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो उसको हम जरा देखते हैं। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो इसको याद रखने का एक तरीका है मित्र पर पश्चिम बंगाल गमछाझार, ये एक ट्रिक है। तो मित्र पर गमछाझार यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जरा देखिए कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है, तो ये गुजरात, पश्चिम से बात कर रहे हैं गुजरात, और इसके पूर्व में है आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद है आपका झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद यानी कि पूरब में है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पूरब में है मिजोरम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये देखिए 2, 2, 4 और 3, 7 सात राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है, और थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से भी गुजरती है, इसलिए आठवां राज्य हो गया राजस्थान। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को लगभग बीच से बांटती है, यानी कि 2 हिस्से कर देती है, एक उत्तरी भारत और यहाँ से दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में भी ये वाला जो हिस्सा है, इसको मध्य भारत हम कह सकते हैं, और ये हो गया आपका दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत जैसे जैसे यहाँ से 22 डिग्री से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते जाएंगे, तो ये जो है ना एरिया कम होते जाता है, और फिर इसके बाद 22 डिग्री से ऊपर जैसे 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 जाएंगे, तो पहले तो काफ़ी दूरी तक यहाँ तक जाना ये चौड़ा होते गया है, और फिर उसके बाद फिर से ये संकरा होते गया है। तो इस तरीके से हम भारत को यहाँ पे देखते हैं। अब भारत के आगे अगर बात करें तो इसका जो है ना भारत के देशांतरीय विस्तार, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग ये कह सकते हो आप कि लगभग 30 डिग्री का होता है। अब इसी के अनुसार समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण कैसे होता है, तो अब जरा इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि इसमें पूरी तरीके से 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट हो गया, तो ये पूरा जो है ना कितना हो गया 360 डिग्री का कोण बना, और पृथ्वी को एक घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पे एक बार घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो 360 बटे में 24, अगर करेंगे इसको 24 से 360 को भाग देंगे तो आएगा कितना, 15 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे ये देखें कि 15 डिग्री तो 30 डिग्री है,
तो 30 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ पे आने में जो है ना 2 घंटे का अंतर हो जाएगा टाइम में। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो उड़ान भरने वाले जो प्लेनें हैं यानी कि वायुयान है या फिर यहाँ से जो ट्रेनें अगर यहाँ तक आती हैं तो उसके समय सारणी में काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी। या फिर मान लीजिए कि कोई भी व्यापारी है, वो व्यापारी जो है ना यहाँ से यहाँ पे मीटिंग करना चाहता है और उसने ये कहा कि मैं आपके यहाँ 12 बजे मीटिंग करूँगा, और 12 बजे जब कहा तो यहाँ पे इसने ये सोचा कि 2 घंटे का टाइम लगभग लगेगा वहाँ जाने में, तो ये अपने अनुसार 10 बजे यहाँ से चला, जबकि यहाँ पे 12 पहले ही हो गया है क्योंकि सूर्योदय पूरब की तरफ से होता है। तो यहाँ पे सूर्योदय जब हो गया तो यहाँ पे 12 पहले ही हो गया है, तो ये जब तक पहुँचता है तब तक ये व्यापारी अपने दूसरे काम में बिजी हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ के व्यापारी का लॉस हो जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का के समाधान के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये लाल वाली लाइन है, इसको हम प्रधान यामियोत्तर कहते हैं। तो इस रेखा पे जितनी समय होती है वही समय पूरे भारत में माना जाता है। इसको इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82 डिग्री है, इसको कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा इसको कहा जाता है। और इसी के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे की हम लोग बात करते हैं, अब जानते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो भारत की अगर बात करें तो उस भारत में 28 राज्य हैं। भारत की अगर बात करें तो इसमें राज्य अभी हैं वर्तमान में 28, हालांकि पहले आप लोग जानते हैं कि पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक था वो एक राज्य था तो उसको हटा के उसको केंद्र शासित बना दिया गया है। तो अब इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इस तरीके से अब 28 राज्य बचे हैं। उसके बाद अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश हम किसे कहेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि नाम से ही क्लियर है, केंद्र के द्वारा जिस पे शासन किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जहाँ पे शासन की जाती है उस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। तो इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो आइए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, पहले 7, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कैसे, तो पहले 7, फिर 7 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बनाया गया, तो ये हो गया 9। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया, या दादरा और नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला दिया गया। तो इस प्रकार से अभी के समय में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्य की, तो राज्य की बात करते हैं, तो राज्य में हम लोग सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान से सटे हुए राज्य, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान है, इससे सटा हुआ राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक है आपका पंजाब या राजस्थान और गुजरात, तो ये इसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो PRG, तो PRG, ये 3 राज्य आपके हो गए जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं,
और थोड़ा सा ऐसा, हाँ, उसके बाद PRG यानी कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और गुजराती को हम पश्चिमी तटीय राज्य भी कहते हैं, लेकिन अभी हमने इसको पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में काउंट कर लिया। तो अब इधर जो है ना, पश्चिमी तटीय राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य, तो पश्चिमी तटीय राज्य, देखिए पश्चिमी तटीय तो ये पश्चिम है, तो पश्चिम है तो इसमें इसके किनारे कौन से राज्य है, तो यहाँ पे ये देखिए महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा जो कि समुद्र के किनारे हैं, फिर है कर्नाटक, फिर है आपका केरल। तो यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले है आपका एम, फिर है के, फिर है जी और फिर है के। ठीक है, देखिए एम जी, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एम जी और डबल के। तो यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो ये चार राज्य हो गए। तो चार और तीन, सात राज्य हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य। तो पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पूर्वी तटीय राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वी तट मतलब ये वाला एरिया। तो पूर्वी तट की अगर बात करेंगे तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिए, TAOW, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये भी चार हो गए। तो सात चार 11 राज्यों के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर के यानी सॉरी पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे। पश्चिमोत्तर की तो हमने बात कर ली, अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे जिसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर नाम से ही क्लियर है, पूर्व और उत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि AAMRNT, ये तो सात हो गया, और इसके ओनली ब्रदर यानी कि S, अब ये बताऊंगा, ये टोटल जो है ना आठ हुआ। अब ये बताते हैं कि अब ये है क्या, अरुणाचल प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, और S फॉर सिक्किम। तो अब जरा देखते हैं इसको मानचित्र में, मैप में। तो यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये हो गया आपका असम, फिर ये हो गया आपका मेघालय, ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये सात राज्य इधर हो गए जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, और इसका ये ओनली ब्रदर है सिक्किम। तो इस तरीके से ये आठ राज्य हो गए। तो अब ये आपके हो गए आठ आठ 16 3 19, 19 राज्यों की बात हमने की। अब बात करते हैं जो नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। तो नेपाल से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। चूँकि सिक्किम भी है तो सिक्किम को तो हमने पहले काउंट कर लिया है। तो देखिए नेपाल से सटे हुए राज्य आपके हैं चार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। ये चार राज्य हैं जो कि नेपाल से लगते हैं, और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी लगता है, यानी कि इस तरीके से पांच राज्य हो गया। लेकिन हमने क्या किया, पश्चिम बंगाल को पहले ही काउंट कर लिया है, सिक्किम को भी काउंट कर लिया है। तो इस प्रकार से नेपाल से जो अधिकतर सीमा साझा करने वाले राज्य, अब कह सकते हो नेपाल से अधिकतर सीमा साझा करने वाले राज्य, साझा करने वाले राज्य, इसमें मैंने आपको बताया W,
बी, तो इसको आप याद रखिए, W और B। एक हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 3। M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, और C फोर छत्तीसगढ़, T फोर तेलंगाना और J फोर झारखंड। तो इस तरीके से ये 6 राज्य हो गए। तो अब देखिए पूरे 28 राज्य हो गए। 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 21, 4, 25, 3, 28। ये 28 राज्य हैं। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, फिर इधर से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये 20 हो गए। उसके बाद ये 7 हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और ये 7 हो गए। और एक और ये हो गया 28, 27, 1, 28, 20, 7, 27, 1, 28। अब अगर बात करें तो ये देखिए, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये देखिए वेस्ट बंगाल का एरिया है बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद ये वाला है असम, असम का एरिया भी लगता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेघालय, मेघालय का भी एरिया लगता है, फिर उसके बाद ये है त्रिपुरा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1, 2, 3 और ये 4, 4 राज्यों की सीमा जो है ना बांग्लादेश के साथ लगती है। म्यांमार के साथ जो है ना यहाँ पे भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और पांचवा राज्य का भी थोड़ा सा लगता है, वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी सीमा थोड़ी सी लगती है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। भूटान की अगर बात करें तो भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम अरुणाचल प्रदेश, 1, 2, 3, 4, इसके साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल की से सटे हुए राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। चीन की अगर बात करें तो 2 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और इधर पंजाब की अगर बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं, जो कि पाकिस्तान से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हालांकि पहले एक ही था लेकिन अब ये 2 हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब इस तरीके से हमने जाना हमारे राज्यों के बारे में। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 2 चंडीगढ़, 3 दिल्ली, 4 दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये हो गया 5, लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है यानी कि द्वीप समूह है, ये हो गया 8। तो इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर बात करें तो भारत के पड़ोसी देश की, तो भारत के पड़ोसी देश देखिए कौन कौन सा है, तो एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और उसके बाद देखिए म्यांमार और समुद्री सीमा के साथ यानी कि पाक स्ट्रेट के द्वारा श्रीलंका अलग है, तो श्रीलंका हमारे दक्षिण के में है, तो ये भी हमारे पड़ोसी देश है जो कि हिंद महासागर में पड़ोसी देश है। और एक और है यहाँ पे भारत के
पश्चिम और उत्तर में, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव ये हमारे पड़ोसी देश है। जरा मानचित्र में देखिए, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और उसके बाद ये हो गया श्रीलंका, और यहाँ पे है मालदीव। तो इस तरीके से ये हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और विश्व के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि विभिन्न देशों के साथ हमारे कैसे जाना रूट्स हैं, यानी कि जो अलग समुद्री मार्ग के किस प्रकार से हैं, कहाँ कहाँ की समुद्री मार्ग प्रमुख हैं, जहाँ से हमारा प्रमुख रूप से व्यापार चलता है या आवाजाही चलता है, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रमुख वायुयान मार्ग के बारे में भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।